वीएसएससीटी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत। आज जनता कर्फ्यू के दौरान पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने भी अपना समर्थन दिया। इसी के साथ ठाकुर प्रियकांजू मंदिर में भी सभी पुजारियों ने कोरोना वायरस के खिलाफ और जनता कर्फ्यू के समर्थन पर शंख तालियां एवं घंटियां बजाकर सहयोग दिया। इस अवसर पर पूज्य ठाकुर जी महाराज ने देशवासियों को धन्यवाद दिया। जय हिंद, जय भारत। ये जो 5:05 तक हम लोगों ने असंख्य ध्वनि की है, हमारे निवास स्थान के हमारे कॉलोनी वासियों में कोई ताली बजा रहा है, कोई क्लैपिंग कर रहा है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ये सब उनके लिए है जो इस कोरोना वायरस में फाइट कर रहे हैं और जो बीमार हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल जितने भी मेडिकली ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, और भी जो उनका स्टाफ है उनके लिए है। और सबसे बड़ी बात पुलिस प्रशासन के लिए जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात हमारे मीडिया कर्मियों के लिए, न वो घर गए न वो कहीं भी गए, वो हमेशा देश के एक एक कोने में जाके हमारे मीडिया कर्मी, हमारे पत्रकार बंधु जाकर पूरे देश को जागरूक कर रहे हैं। और जागरूक करके न सिर्फ आगे मैसेज तक पहुंचा रहे हैं बल्कि पूरे देश को जगा रहे हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद है और मैं अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होता हूं उन देश के सभी लोगों के लिए आगे जो अपने इस कोरोना वायरस में मरीजों की और देशवासियों की सेवा में लगे हुए हैं। मेरे पास कोई शब्द नहीं जिससे मैं आप लोगों का ऋण उतार सकूं, लेकिन आप वाकई देश के बहुत बड़े सैनिक हैं और आपकी सेवा के लिए बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आपको हम नमस्कार करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और आप दीर्घायु रहें और ऐसे अपने देश की सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत। वीएसएससीटी न्यूज पर जुड़े 1,00,000 सब्सक्राइबर्स, आप सभी भक्तों को तहे दिल से धन्यवाद। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं पूज्य महाराज जी से जुड़ी हर अपडेट को लेकर जुड़े रहिए वीएसएससीटी न्यूज के साथ।